हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो मॉर्निंग के बजे हैं अभी 7:30, मतलब 7:45 हो रहे हैं और दिन आज मंडे गाइस। और जैसे कि आप लोगों ने कल वाले ब्लॉग में देखा था, भैया भाभी विशु कुरकुर सब लोग आए हुए हैं मेरी सावन की कोथली लेकर, बट अभी सब सो रहे हैं। भाभी उठकर अभी गई है वॉशरूम में और भाई क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास है क्योंकि वो टीचिंग लाइन में है, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। और मयंक की भी ऑनलाइन क्लास है लेकिन मयंक उठ ही नहीं रहे हैं। मयंक उठो, चलो जल्दी से, चलो उठो। और गाइस सारे ही बच्चों की डिमांड थी कि हम इसी रूम में सोएंगे, तो पता हम कैसे कैसे शिफ्ट हुए इसमें, एक गद्दा इधर डाला, एक गद्दा उधर डाला, कुछ लोग बेड पर थे, सो बहुत ज़्यादा मुश्किल से सोए हम लोग, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। और इधर मैं विशु को कब से उठा रही हूँ, उठ जाओ ना विशु, उठ जाओ ना विशु, उठ जाओ ना। तो मैं उठ तो गया और उठते ही इसके पापा ने उससे क्वेश्चन पूछा, चल विशु जल्दी उठ, फटाफट तैयार होता है, चलते हैं। तो विशु कह रहा नहीं पापा, मतलब इसको चिढ़ा रहे हैं, कह रहे नहीं पापा आज नहीं, कल भी नहीं, परसों चलेंगे। तो गाइस मैं नहा ली हूँ सुबह उठते ही, सबसे पहले मैंने अपना नहाने का काम निपटाया, आज मंडे भी है, मैं फास्ट नहीं रह सकती किसी कारण से। और अभी देखो यहाँ पर कनक कुटकुट श्यामा सभी लोग सो रहे हैं, तो चलो मैं सबसे पहले किचन में जाती हूँ, पानी वगैरह पीती हूँ, अभी देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, सबसे पूछेंगे वही बनाएंगे। मॉर्निंग के बजे थे अभी 7:30 गाइस, और उठने के बाद यहाँ पर मैंने पहले नहाई, नहाने के बाद किचन की थोड़ी साफ सफाई की, उसके बाद यहाँ पर मैंने टर्मेरिक वाला पानी लिया। और आपको पता है हल्दी वाले पानी के कितने बेनिफिट, और सुबह खाली पेट हम लोग हल्दी का पानी पीते हैं ना तो बहुत ही अच्छा होता है। चलिए फटाफट से पानी को फिनिश करते हैं और करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो गाइस मयंक की चल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ पर मयंक की एक क्लास हो चुकी है और इधर मैंने कर ली है ब्रेकफास्ट की तैयारी। ब्रेकफास्ट को तो हम लोग हल्का फुल्का करेंगे, बट हम लोग जो लंच में आज बनाने वाले हैं खीर कचौड़ी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने जो पोटैटो बॉईल करके छील दिए हैं, प्लस इसकी पूरी तैयारी कर दी। देखिए गार्लिक हरी मिर्च धनिया सब कुछ करके रख दिया है, बस आटा गूंथेंगे और फटाफट से कचौड़ियाँ बनाएंगे, इसकी स्टफिंग रेडी करके। तो उससे पहले अभी हेल्पर आने वाली है, दस्ती वगैरह का काम खत्म कर देते हैं, उससे पहले सब नहाना धोना कर रहे हैं गाइस। इधर चल रहा है हमारा नाश्ता, सभी लोग नहा चुके हैं, कुटकुट भी, कनक भी, श्यामा भी, विशु भी, सब नहा लिए ना सर? नो गेसेस, नो गेसेस, समझ नहीं आया। हे गाइस, अभी हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच की तैयारी किचन में हो रही है, अभी हम लोग भूख नहीं है इसलिए हम लोग एक गेम कर रहे हैं और उस गेम का नाम है किस में है कितना दम। तो चलिए करते हैं, उसमें हमें ऐसे बैठना। गेम में कौन कौन है? बच्चों के फूफा जी, कनक, बच्चे और बच्चों के वही हमारा बच्चा श्यामा, विशु हमारा बच्चा, इधर कुट्टो, इधर हमारी कन्नू, मैं भी हूं। और यहाँ पर हमारी मुन्ना पड़ा मधु भाभी। तो हाँ चलो, बिल्कुल टाइमर लगा के, चलो टाइमर लगा के, चलो तू छोटा तू कर, चलो फैन ऑन कर दो, गर्मी लग रही है। दो कैंडिडेट इधर हैं और दो इधर आ गए हैं, सारे ही बच्चे, इधर विशु भी है, चलो वन श्यामा भी पोजीशन ले लो अपनी, वन टू थ्री स्टार्ट। हाँ तो इधर तीन है, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। कनक की बैटरी साफ डाउन हो रही है क्योंकि कनक को बहुत ज़्यादा स्माइल हंसी आ रही है। इधर विशु भी अपना बैलेंस बनाए हुए गाइस, देखो सामो बिल्कुल सीरियस है, इजी है, पीछे का कमर, पीछे करो कमर। हाँ भाई भाई भाई, भाई अपना गेम चल रहा है, गेम चल रहा है, कुटकुट गई, कुटकुट आउट आउट, ए तू बैठ जाएगा ऐसे, विशु भी है अभी, गई कनक, कनक भी गई भाई, कितने सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 मिनट बस, थोड़ा सा। अरे यार ये सही बैठा है कि ये बिल्कुल सही नहीं बैठा है, इसको थोड़ा नीचे हो,
हाँ अब ठीक है, अब आएगा, अब पिछवाड़े पे तो पड़ेगा। चल बस अटक जाएगी ना सी। और यार ये लड़का जीत गया। विशु 35 36 37 38 39 40। पैर कहाँ पर है इसके, देखो पैर कहाँ पर है इसके। 40 तो कोई नहीं 46 47 48। कम ऑन विशु, कम ऑन। यस, क्लैपिंग करो इसके साथ। अरे नहीं तो उस ले जी भाई की तरह कहाँ पर है पिंटू, कहाँ पर है वो, कहाँ पर है। एक मिनट हो चुका है विशु, अगर आप चाहते हैं कि आप बैकआउट कर जाएं तो आप कर सकते हैं। भाई साहब विशु बन चुके हैं। यस, आप हमारा नाम रोशन कर चुके हैं। और देखिए इसी के साथ ये 2 मिनट भी कंप्लीट होने वाले हैं। दो इसका फेस लाल हो गया। 41 42 ये धीरे धीरे देखिए नीचे जाते जा रहे हैं। आपको घेवर की पार्टी दी जा रही है। 48 49 50 बस 10 सेकंड दूर हो आप दोनों में। कम ऑन कम ऑन, बस हट जा, हट जा। 6 7 8 9 और ये 2 मिनट। वेरी गुड वेरी गुड, आ चुके हैं जीजा साले। चुप चुप बोलो। अब आपके सामने जो देखो, पहले मैं 90 एंगल पे हूँ। तो सही चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चल बैठो बैठो बैठो, बस अभी जो बच्चों ने किया उससे इंस्पायर होके, चुप से इंस्पायर होके हमारे बड़े भी अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए टाइमर लग चुका है और 5 सेकंड हो चुके हैं। 6 अब देखिए साले और जीजा में किसमें है कितना दम। देखिए साले की तो जीत थोड़ी थोड़ी बाहर आने लगी है। जिया जी अपने काम पे बिल्कुल टिके हुए हैं मजबूती के साथ। और देखिए पापा हर रोज करते हैं, पापा को प्रैक्टिस। देखिए अभी हमारे सामने खुलासा हुआ है कि इन्हें तो प्रैक्टिस ही रोज कर रहे हैं। कितना देखिए 52 सेकंड प्रॉपर 52 सेकंड। चलो भाई चलिए, तो गाइस मर्दों ने अपनी मर्दान की दिखाई और अब बारी है देवियों की। और आप देखिए नंद भावज का कंपटीशन स्टार्ट होगा आपके सामने। देखिए किसमें है कितना दम। आइए गाइस, हमारे मास्टर जी ने क्या कर रखा था, देखो यूं नीचे और नीचे। हां और नीचे बस 3 2 1 स्टार्ट। 1 मिनट 1 सेकंड यस मम्मी 2 सेकंड मम्मी 4 सेकंड। चलो अब उन्हें देख रहे हो। 11 सेकंड 12 सेकंड 13 सेकंड। एक्सक्यूज एकदम बना दिया। 33 सेकंड 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 33 स
एक मिनट हो गया एक मिनट पूरा एक मिनट पूरा एक मिनट
यहाँ पर दूसरा वर्कआउट शुरू हो चुका है जिसको बोलते हैं प्लैंक। प्लैंक बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर टाइमर लगा ले। टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ मैं। स्टार्ट। भाभी और नंदोई जी, ये देखिए दोनों ने अपनी पोजीशन ले ली है। किसापा आपकी कुछ ज्यादा उठ रही है, बैक नीचे करो इसको। हाँ जी, और ज्यादा और नीचे। मधु भाभी की बिल्कुल ठीक है, इन्होंने अपनी सही पोजीशन ली हुई है, देखो। हाँ, अब ठीक है। विशु और श्यामा भी है भाई, विशु और श्यामा भी है भाई, दोनों बेड पर आई है। बच्चों से भाई, बच्चों तुम्हें हराना है इन दोनों बड़ों बड़ों को। ओ भाई साहब, पूरी टक्कर की, पूरी टक्कर का है भाई, गेम पूरी टक्कर पे चल रहा है गाइस इस टाइम। देखो यहाँ पर अभी पता नहीं किसकी हवा निकलने वाली है। विशु, श्यामा, मधु भाभी और मिस्टर अजय जी। श्यामा हो गया, श्यामा गए। कितना हुआ कुट्टो? 1 मिनट 8 सेकंड। गाइस आप ऐसा वर्कआउट, ये देखे मधु भाभी गई, कितना हो गई? 1 मिनट 13 सेकंड। 1 मिनट 13 सेकंड। और अभी विशु, किसान पर विशु है पूरी टक्कर पे आपकी। देखो इधर विशु और फूफा जी जाने वाले, मिलने वाले। ए हे हरिदास, हे स्वामी, लेजी लेजी भाई आने वाला है। 1 मिनट 35 सेकंड। यार ये पूरी टक्कर ले रहा अपने फूफा जी की। देखो हे हरे राम कृष्ण जगन्नाथ हम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अबे यार विशु, आप कर सकते हैं, उम्र का तगाजा नहीं। आपका अगर मन मजबूत हो तो आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं। नहीं लेटा वो नहीं लेटा वो, अरे तुम लेट गए विशु, विशु फिर जीत गए अभी है। अरे वाह भाई वाह, इसका मतलब नॉर्मल आटे में और ग्लूटेन आटे में बहुत ज्यादा फर्क है, फर्क होता है। और ये कहते हैं ऐसा कुछ खिलाओ भाई। दो मिनट बच्चे ने प्लैंक किया इसने। क्लैपिंग करो भाई इसके लिए सभी। बताइए आया वो क्या खाना है, वही बनेगा आइसक्रीम। हेलो एवरीवन, आप लोगों ने देखा हम लोगों ने कितनी मस्ती की। एंड अभी चल रहा है बिग बॉस, और बिग बॉस इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है, इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है। भाभी मतलब हम लोगों को बनानी है कचौरी, बट हमें समझ में नहीं आ रहा हम किचन में जाएं या फिर बिग बॉस देखें, क्योंकि बिग बॉस में आ चुके हैं मीडिया वाले। मीडिया वाले गई सभी घर वालों से इतने इतने टफ टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसका आंसर देना उन लोगों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिग बॉस आ रहा है आज। मतलब खाना तो बनाना ही है हम लोगों को, तो भाभी ना आटा लेके रूम में ही चली गई, मतलब आटा वगैरह गुथ रही है रूम में। और इधर मैं बनाने जा रही हूँ जो कचौरी का, मतलब कुटकी वगैरह बना लेते हैं, और मैं दिखाती हूँ आपको। भाभी देखो आटा लेके रूम में ही चली गई गई। वहाँ पर बिग बॉस की कितनी बड़ी शौकीन है, ये देखो गाइस आटा लेकर रूम में आ गई। कुछ का क्या मतलब हुआ ये? ऐसे तो कुत्ते को खिलाते। विशु का मूड क्यों अपसेट है? इसे किसी ने कुछ कहा क्या? देखिए यहाँ पर मैंने सारे पटेटो अच्छे से मैश कर दिए हैं, प्लस यहाँ पर जो इनकी तैयारी थी वो मैंने सुबह मॉर्निंग में कर दी थी। ये है हरा धनिया, ये है हरी मिर्चे, और ये है गार्लिक। We'll be right back.
ये फूल गई हमारी कचौरी और दही के साथ सभी लोग खा रहे हैं। मेरा काफी दिन से मन था गाइस कचौरी खाने का। कैसी बन रही है? अच्छा बना दी। कनक कैसी लगी? कुट्टो कनक कुट्टो कैसी लगी? मस्त। भाई साहब कचौरियाँ कैसी लगी? हैं अच्छी हो रही थी भाई साहब। बढ़िया बन रही बहुत। तो देखिए गाइस सभी लोगों ने लंच कर लिया है और कचौरियाँ सभी को बहुत टेस्टी लगी। और आज घर में मम्मी पापा कोई नहीं है, मम्मी पापा और त्रिषभ और कृष्णा दो चारों ही लोग गए हैं बुआ जी और दीदी की कोथली लेकर सावन की। कल मेरी और मम्मी की आई थी कोथली सावन की और आज मम्मी पापा कृष्णा त्रिषभ वो बुआ जी और दीदी की कोथली लेकर गए हैं। सो अभी हम लोग करते हैं डिनर, मतलब मैं करती हूँ, सभी लोग कर रहे हैं, भाभी वगैरह बैठी हुई हैं अभी। तो कचौरियाँ सभी को बहुत टेस्टी लगी और मेरा कचौरी खाने का काफ़ी दिन से मन था गाइस। और ऐसा होता है ना कि हाँ जब कोई आए तब ऐसी चीज़ें बनाई तो फटाफट से खाई जाती है और अच्छा भी लगता है। तो चलिए गाइस फटाफट से मैं भी खाती हूँ कचौरियाँ गर्मा गर्म, क्योंकि अब भूख भी बहुत तेज लगी है। लंच के बाद जितने भी कपड़े सुबह मॉर्निंग में वॉश किए थे सारे ही ऊपर से लेकर आ गए थे। चलिए अब इनको फोल्ड करके रख लेते हैं गाइस। और इस व्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कीजिए। आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक और प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री श्याम, श्री शिवाय, नमस्ते भयम, हर हर महादेव।